अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान मेहरान और आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एट एनईडी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर मेरे बहुत से कोलीग्स भी और सोशल मीडिया कनेक्शन पे भी और बहुत से एक्स क्लासमेट्स से सब मुझसे पूछते हैं कि एनईडी के अंदर मास्टर्स के लिए एडमिशन लेने का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से अप्लाई करें। तो मैं आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो इसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट, लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई फॉर्म और उसके अलावा आपको ईच एंड एवरीथिंग जो आपको मैं बता सकता हूं तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है और उसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट में बिला झिझक पूछ सकते हैं without any hesitation। तो let's begin our video। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना जो भी आपका ब्राउज़र है वो आपने खोलना है, उसके ऊपर लिखना है NED पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2022। आप ये लिखेंगे तो आपको सबसे पहला जो लिंक मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर थोड़ा आपको बता दूं कि ये है हमारे पास स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर है, 3 प्रोग्राम होते हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग MENG, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट MEM और उसके अलावा हमारे पास होता है मास्टर ऑफ साइंस होता है, ठीक है, ये मास्टर ऑफ साइंस। अब मैं आपको इन तीनों में फर्क बता देता हूँ। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि प्योरली आपने मास्टर करना है इंजीनियरिंग किसी डिसिप्लिन के अंदर, तो ये जो है आप तब कर सकते हैं जब आपके पास बैचलर आपका PEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से और आपके पास PEC नंबर हो। सेम मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए आपके पास ये PEC नंबर होना चाहिए और इसके अलावा मास्टर जो है आपके पास 50-50 होता है, आपको मैनेजमेंट का भी फ्लेवर मिलता है और उसके अंदर आपको इंजीनियरिंग का जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स उसका भी फ्लेवर मिलता है, ये 50-50 है। MENG जो है वो जो है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो प्योरली आपका टेक्निकल होता है या इंजीनियरिंग बेस होता है। उसके अलावा MS ये होता है नॉर्मली, ये MS जो हम सब्जेक्ट फील्ड के अंदर MSc केमिस्ट्री, MSc मैथमेटिक्स जो हम अपने बैचलर प्रोग्राम में करते हैं वो, या BSCS जो करते हैं वो, या फिर उन्होंने बीटेक किया हो, बीटेक वालों के लिए भी ये है। तो आप जिनके पास PEC की एक्रेडिटेशन नहीं है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं MS प्रोग्राम के अंदर। तो आपको इन 3 प्रोग्राम्स का मैंने आपको फ़र्क बताया, बाकी इनकी सब कैटेगरीज और आपको उनकी एलिजिबिलिटी जो फर्दर एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो अभी मैं आपको ये भी बता देता चलूँ कि ये जो हमारे पास जो होता है इवनिंग जो होता है वो होता है 2.5 ईयर्स का हमारे पास इवनिंग प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हर आपके पास 10 कोर्स या फिर 8 कोर्सेज प्लस 6 क्रेडिट आवर ऑफ थीसिस, ओके। तो ये आपका इवनिंग का स्ट्रक्चर है। सेम वीकेंड का भी स्ट्रक्चर यही है, लेकिन वीकेंड में होता है कि हमारे पास मिनिमम होता है 1.5 ईयर के अंदर हम वीकेंड प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी हमारे पास अवेलेबल होता है ये प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, सही है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है आपको मैं आगे एक लिंक भी दूंगा अप्लाई ऑनलाइन का। आपने वहाँ पे अपने तमाम की तमाम जो आपका डेटा एंटर करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा भी किस तरीके से करना है। आपने डेटा एंटर किया, वंस यू हैव एंटर योर डेटा, उसके बाद आप क्या करेंगे जो आपका फॉर्म होगा उसको आप क्या करेंगे वहाँ पे फिल आउट आपने कर दिया, उसका प्रिंट निकाल के उसे 2 जो 17 ग्रेड के अबव जो के गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनसे आपने अटेस्ट करवाना है, उनसे आपने विटनेस का सिग्नेचर लेना है। वो मैं आपको फर्दर बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा बस ओवरव्यू देना चाह रहा था। अच्छा, अब आपको क्या है यहाँ पे 7,000 का आपने अगर एक फील्ड के लिए या एक स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करें तो आपने 7,000 देने होंगे। अगर मोर देन 2 फील्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, आप चाह रहे हैं कि मेरे पास सेकंड प्रायोरिटी भी रहे, तो उसके लिए आपने मिनिमम अपने जो एक्स्ट्रा आपने उसके फॉर्म खरीदना होगा जिसकी फीस होगी 3,500 एडिशनल फॉर्म के लिए। अगर आपने तीन प्रायोरिटीज रखनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो आपने 3,500 और आपने फर्दर पे करने हैं, यानी कि आप 7,000 तो आपने पे करने ही करने हैं। उसके अलावा जितने आपने स्पेशलाइजेशंस आप इंक्रीज करते जाएंगे तो उतने टाइम्स आपने 3,500 एक्स्ट्रा पे करना होगा। सही, ये होगा आपके पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। एनबीपी या एचएमबी, इन दो जो है हमारे पास बैंक्स जो कि एनईडी की ब्रांच के अंदर ही मौजूद हैं। सही है, वहाँ से आपको फॉर्म जो एडिशनल ये जो फॉर्म है वहाँ पे आप डिपॉजिट करेंगे। सही, लास्ट डेट है 9th ऑफ अप्रैल 2022, ये आपका लास्ट डेट है। इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार होता है कि 2 या 3 दिन की रिलैक्सेशन मिल जाती है, लेकिन फिलवक्त आपने यही टाइम रखना है। इनकेस कभी कभार होता है, हम हर वक्त नहीं होता है, जो कि 2 या 3 दिन की आपको डेडलाइन एक्सटेंड की जाती है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एलिजिबिलिटी, आपको जितने प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिटेल दे देता हूँ और उनकी एलिजिबिलिटी भी आपको मैं बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी के ऊपर आएंगे, ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम से सबसे पहले MEM मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने आपको तीनों चीज़ों का बता चुका हूँ कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग ME, उसके अलावा MEM और MS, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की जो सब फील्ड्स हैं, सब कैटेगरीज हैं, उन सब के बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले है हम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग यानी ऑटोमोबाइल की फील्ड से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता चलूँगा, मेरे कुछ दोस्त इलेक्ट्रिकल के थे जो कि EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर थोड़ा रिसर्च वर्क करना चाह रहे थे, वो उसमें इंटरेस्ट रखते थे। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये प्योरली मैकेनिकल, जो आपका ऑटोमोबाइल का जो मैकेनिकल पार्ट है ये प्योरली उसके हवाले से है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई स्कोप नहीं है जो इलेक्ट्रोमोटिव इंजीनियरिंग के अंदर, क्योंकि आप इसके एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं ऑटोमोटिव आपने बैचलर में किया हो, इंडस्ट्रियल किया हो या मैकेनिकल किया हो। ये जो थी प्योरली मैकेनिकल पार्ट जो आपका ऑटोमोबाइल का है उसके हवाले से, सही है। तो इसमें डिजाइनिंग भी है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हवाले से भी पढ़ेंगे और डिजाइनिंग के बारे में भी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताया चलूँ कि आपने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग रखी तो जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपने कोई इनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करनी होगी कि ऑटोमोटिव आइदर ऑटोमोटिव डिज़ाइन या ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने दोनों के दोनों का ऑप्शन रखना है तो आपने 7,000 के अलावा 3,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फील्ड विच इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल के बारे में कुछ मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, सब जानते हैं। आजकल बहुत वास्ट फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड भी है, ख़ासतौर पे कोविड के वक्त में ये बहुत ज़्यादा इसको बूम मिला था। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने जितने भी मेडिकल के अंदर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या इक्विपमेंट्स हो गए उनके हवाले से, उनकी वर्किंग जो होती है उसके हवाले से हम पढ़ते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। आपने बायोमेडिकल में बैचलर्स किया हो या उससे रिलेवेंट किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आप या मैकेट्रॉनिक्स आप ये फील्ड्स आपने किए हो तो आप बायोमेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ छोटी मोटी फील्ड नहीं है, भी बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। तो इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो केमिकल, मेटलर्जी या मटेरियल, पॉलीमर या पेट्रोकॉम केमिकल या मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल या फूड इंजीनियरिंग, ये सब केमिकल की ही सब ब्रांचेज हैं। सिवाय मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल थोड़ी डिफरेंट आ जाती है, लेकिन इन्होंने मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल वाले को भी इसमें एलिजिबल रखा है। अब आपके पास आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी सब जानते हैं, कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्टेशन या अर्बन प्लानिंग से रिलेवेंट एक फील्ड है। तो सिविल इंजीनियरिंग जो है उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये जो है जनरल फील्ड भी नहीं है। जो हमारे पास सिविल के जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं सिविल से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मेरा जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल का है, तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बता सकूँगा। आप चाहे तो कोई सिविल इंजीनियरिंग का कोई आपका दोस्त है तो आप उससे ज़्यादा डिटेल में पूछ सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कंप्यूटर नेटवर्क वही कि आप जो CCNA के जो पढ़ते हैं वो उसके हवाले से आप पढ़ेंगे। तो इसमें अब एलिजिबिलिटी है कि बैचलर इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग और एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या एनी रिलेवेंट डिसिप्लिन में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ये से 3 रिलेवेंट डिसिप्लिन है। इसके बारे में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक फील्ड है, उसकी 4 सब फील्ड्स है, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम और एक टेलीकम्युनिकेशन। ये तो आपने इन 4 में से किसी भी एक में आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये सिविल और अर्बन प्लानिंग के हवाले से, उसके बारे में वही चीज़ मैं दोबारा दोहराऊंगा कि आप किसी सिविल इंजीनियरिंग के जो है कंसर्न पर्सन उनसे ज़्यादा अच्छे से आपको गाइडेंस मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी फील्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से इसमें गाइड कर सकूंगा। इसमें 3 स्पेशलाइजेशन है, पावर सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड और कंट्रोल सिस्टम। पावर सिस्टम के हवाले से वही कि आप जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से पढ़ते हैं। यहाँ पर प्योरली आप पावर सिस्टम जो होती है कि आपके पास किस तरीके से पावर फ्लो हो रहा है और उसकी मैनेजमेंट या मेंटेनेंस है, उसके हवाले से आप पढ़ेंगे इसके अंदर। स्मार्ट ग्रिड में होता है कि आपके पास जो पावर ग्रिड है उसको किस तरीके से आप उसको ऑटोमेट किया जाता है, उसमें कम्युनिकेशन की जाती है, उसमें कंट्रोलिंग की जाती है, तो उसमें स्मार्ट ग्रिड उससे रिलेवेंट होता है। कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि आपने जितने भी आप इलेक्ट्रिकल या उससे रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपने पढ़ा है तो आपने लीनियर कंट्रोल सिस्टम का कोर्स आपने लाजमी पढ़े होंगे, जिसके अंदर आप रूट लोकस, बॉडी प्लॉट, PID कंट्रोल्स लाजमी पढ़ते हैं। तो ये जो आपको पूरा 2.5 ईयर ऑफ मास्टर्स इसमें करवाया जा रहा है, तो इसके अंदर ये होगा कि आपको थोड़ा हाई लेवल की जो कंट्रोल सिस्टम है, फजी कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, PID तो आप वैसे ही अपने बैचलर्स में पढ़ा होगा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत आपको और थोड़ा एडवांस करके पढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम होगा इसके अंदर। तो ये जो है 3 जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 3 जो डिसिप्लिन है उसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब उसके अंदर आपको इसमें एलिजिबिलिटी का बताता चलूँ तो यहाँ पे वैसे इन्होंने 3 डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन होना कुछ यही है कि आपने इलेक्ट्रिकल के जो हमारे पास जो 4 डिसिप्लिन है, पावर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इन 4 में से किसी भी एक में आपने बैचलर किया हो तो आप इन 3 स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी कंट्रोल सिस्टम के हवाले से वो पाकिस्तान में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि इलेक्ट्रिकल मेजर इन कंट्रोल सिस्टम करवाती है, तो इसका अगर आपने ऐसे किया हो आउट ऑफ कंट्री से कहीं बाहर से और आपने PCA की इक्विवेलेंसी ली हुई है तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजर इन कंट्रोल सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल मेजर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम और टेलीकम्युनिकेशन, ये 4 मेजर्स करवाए जाते हैं। तो आपने इन 4 मेजर्स में आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के 3 स्पेशलाइजेशंस में। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो माइक्रो सिस्टम डिजाइनिंग यानी कि सिस्टम ऑफ ऑन चिप जो टेक्नोलॉजी है, या फिर उसके अलावा MEM भी है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। तो माइक्रो लेवल की या नैनो लेवल की जो डिजाइनिंग है, IC डिजाइनिंग या सिस्टम ऑन चिप जो है SOC, तो उसके हवाले से आप माइक्रो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर आप पढ़ेंगे। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसमें इंडस्ट्रीज के अंदर जो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस हो रहे हैं यूजिंग PLCs, मशीन मोटर्स, ड्राइव्स, तो उसके हवाले से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इसके हवाले से आप इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ सकते हैं। आपको आइडिया भी होगा कि NED से थोड़ा पहले IIEE नाम से एक यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि खुद NED से एफिलेटेड है, PCSIR के बिल्कुल बराबर में। तो वो बैचलर जो होता है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते हैं, जिसके अंदर उनका जो मेजर फोकस वही होता है कि PLC, आपको ड्राइव्स और मोटर्स थोड़ा पढ़ाया जाए आपको डिटेल में। तो यहाँ पे उसमें मास्टर कराया जा रहा है। तो अब आपने इसके लिए क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या उसका रिलेवेंट डिसिप्लिन, वही आपने इलेक्ट्रिकल, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम या टेलीकॉम, आप इनमें से किसी एक में आपने बैचलर किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन विद टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें भी आप इन 4 डिसिप्लिन में से किसी एक में पढ़े तो आप इसमें एलिजिबल हैं। प्लस इसकी 2 स्पेशलाइजेशन मैं आपको समझ आ जाता हूँ, RF इंजीनियरिंग और है आपके पास टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। RF इंजीनियरिंग ये होती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एक तो हम माइक्रोवेव हम पढ़ते हैं, वो तो पाकिस्तान में बहुत कम पढ़ाया जाता है, नस्ट वाले माइक्रोवेव के अंदर करवाते हैं, लेकिन हमारे NED में RF के अंदर है, RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी के हवाले से। तो इसके अंदर आप वायर्ड कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन जो भी है आपके पास थ्रू एंटीना या थ्रू वायर्स, तो उसके हवाले से हम पढ़ेंगे। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, अगेन जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर के आप जो CCNA के अंदर जो पढ़ते हैं, जैसे कि इसके अंदर OSI लेयर्स हो गई, उससे रिलेवेंट आप चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल भी थोड़ी डिफरेंट फील्ड हो जाती है, लेकिन आपको इतना बता दूं कि ये ज़्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से होती है फील्ड, ठीक है। तो इसमें भी आपने क्या है, सिविल मैकेनिकल या केमिकल में आपने बैचलर किया है तो, या उससे रिलेवेंट किसी डिसिप्लिन में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड मैनुफैक्चरिंग, इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा चलता है तो उसके हवाले से आप इंडस्ट्रियल एंड मैनुफैक्चरिंग इंजीनियर पढ़ते हैं। उसमें आपने बैचलर्स भी अगर इंडस्ट्रियल एंड मैनुफैक्चरिंग में किया हो या उससे रिलेवेंट डिसिप्लिन जैसे कि मैकेनिकल हो गया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग करने के अंदर हम जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं मेटलर्जिकल या केमिकल तो उसके हवाले से पढ़ते हैं, तो इसमें भी आपने मटेरियल, मेटलर्जी या फिर केमिकल इंजीनियरिंग जो रेलिवेंट डिसिप्लिन है उसमें पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ, शुरू में इनके जो तीन जो स्पेशलाइजेशन उनके हवाले से बताता चलूँ तो ये जो है प्योरली मैकेनिकल से रिलेवेंट है। हम डिज़ाइनिंग एनर्जी सिस्टम और रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से भी रिलेवेंट है, लेकिन ये जो आपको रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि हमारे पास विंड टर्बाइन हो गई या हमारे पास हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है वो इसमें पढ़ाया जाएगा। डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है, तो कोई भी चीज़ आप मैनुफेक्चर करते हैं तो अपने उसका फिजिकल स्ट्रक्चर मैकेनिकल जो डिज़ाइन होता है वो बनाया जाता है, ज़्यादातर सॉलिड वर्क्स के ऊपर बनाया जाता है तो उसके हवाले से पढ़ाया जाता है डिज़ाइनिंग के अंदर। एनर्जी सिस्टम भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेवेंट है, तो आपने ये तीन स्पेशलाइजेशन लेना है तो मैकेनिकल या उससे रिलेवेंट डिसिप्लिन में भी हो सकता है कि मैकेनिकल से रिलेवेंट डिसिप्लिन इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो सकता है। मेकाट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का मर्जर होता है, तो मेकाट्रॉनिक्स में अप्लाई करने के लिए आपने बी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया है तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने बी मैकेनिकल में किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैकेनिक आपने प्योर मेकाट्रॉनिक्स के अंदर आपने बी किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं मेकाट्रॉनिक्स में, ओके। पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल, वो पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर वही केमिकल से रिलेवेंट फील्ड है, इसका मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है लेकिन मैं आपको बस पढ़ के बता सकता हूँ कि इसमें पॉलीमर इंजीनियरिंग, केमिकल, मटेरियल, मेटलर्जी, इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग, टेक्सटाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये लोग इसमें एलिजिबल हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल के अंदर किस तरीके से प्रोसेस चलते हैं, कपड़े के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है कि कपड़ा किस तरीके से बनता है, तो इसमें टेक्सटाइल उससे रिलेवेंट डिसिप्लिन में आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट MEM, अब इसके अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 50% इसके अंदर आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स या सेल्स या मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, और 50% जो होता है आपके पास आपका टेक्निकल फील्ड होती है। तो सिविल इंजीनियरिंग, उसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन आप करते हैं किस तरीके से आपने मैनेजमेंट करनी होती है तो वो अर्बन में आपने किया है, सिविल में किया या आर्किटेक्चर में किया है। आर्किटेक्चर जो आपने किया है तो PCATP यानी कि आर्किटेक्चर का एक इदारा है जो कि आर्किटेक्ट्स को सर्टिफिकेट्स देता है। और इंटरमीडिएट ग्रीन इंजीनियरिंग की हो अगर आपने BArch किया है तो सही, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट वो क्या होती है कि आपने जो भी अगर आप सोलर की फील्ड में हैं तो ये चीज़ अब आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी कि आप एनर्जी मैनेजमेंट में आ सकते हैं, किस तरीके से आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा मैनेज करना है जो कि एनर्जी से रिलेवेंट है। उसके लिए वही बात के आपकी या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपकी डिग्री हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल से अगर हटके है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ा लेकिन आपके पास 2 साल का पावर और एनर्जी सेक्टर में एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट वही कि आप अगर आप एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं तो वो उसके हवाले से ही है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के आप सिविल के लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ बता सकते हैं, मैं थोड़ा सिविल का बैकग्राउंड है नहीं तो मैं थोड़ा इसको स्किप करूँगा आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने से की जगह। इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, अब इसके अंदर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी है, क्वालिटी मैनेजमेंट भी, सप्लाई चेन भी है। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तो है आपने इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रोसेस को मैनेज करना है। क्वालिटी मैनेजमेंट की कोई चीज़ हमारे पास 100 चीज़ें भी अगर हो रही है तो हमें हर चीज़ की सेम क्वालिटी रखनी होती है, तो वो होती है क्वालिटी मैनेजमेंट। 100 चीज़ें भी अगर हमारे पास मैनुफेक्चर होगी तो सबकी क्वालिटी सेम रखेंगे। तो इसमें वही सिग्मा रूल और मुख्तलिफ और इसमें रूल्स होते हैं जो क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आपने इसमें इंडस्ट्रियल एंड मैनुफेक्चरिंग इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल या उससे रिलेवेंट कोई भी डिसिप्लिन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कुछ दोस्तों ने तो क्वालिटी मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से बैचलर्स करने के बाद भी पढ़ा है। टेक्सटाइल मैनेजमेंट, टेक्सटाइल की फील्ड से रिलेवेंट किया है, जिस तरह टेक्सटाइल का प्रोसेस होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है वो पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनर्जी एंड प्लांट मैनेजमेंट, कोई भी हमारा पावर प्लांट है तो उसका जितना भी प्रोसेस है किस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है तो उसमें पढ़ाया जा रहा है। उसमें मैकेनिकल या अलाइड डिसिप्लिन है केमिकल एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, तो हमारा केमिकल प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। तो ये जैसे कि हमारे पास रिफाइनरी की एक मिसाल देता हूँ कि रिफाइनरी में कोई भी केमिकल किस तरह रिफाइन हो रहा है, पेट्रोल किस तरह रिफाइन हो रहा है, तो उसके हवाले से इसमें अपने एलिजिबिलिटी के लिए केमिकल, मैकेनिकल, फूड, पेट्रोलियम या इन सब फील्ड्स में जो आपको नज़र आ रही है इनमें बैचलर होना लाजमी है। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस, आपने केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उसके अंदर केमिकल टेस्टिंग जो होती है उससे रिलेवेंट है। तो आपने BS 4 ईयर किया हो या BE किए हुए BE कोई भी डिसिप्लिन या MSc केमिस्ट्री या MSc अप्लाइड केमिस्ट्री, तो आप इसमें एलिजिबल है। कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, अच्छा इसमें भी आप ये है कि आपने BSCS किया या कोई भी इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर डिग्री है, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MSc या BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स या अप्लाइड फिजिक्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डेटा साइंस। डेटा साइंस यानी कि डेटा एनालिटिक्स जो हम करते हैं, मशीन लर्निंग की एक अहम सब फील्ड है डेटा एनालिटिक्स, तो डेटा साइंस में हम वो पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि साइबर सिक्योरिटी से हवाले से, और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें जनरल जो कंप्यूटर साइंस से रिलेवेंट चीज़ें वो आप पढ़ेंगे। टेक्सटाइल साइंस, वही बात है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पे टेक्सटाइल साइंस, जिनके पास PEC की एक्रेडिटेशन नहीं है बैचलर्स के अंदर वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की जगह टेक्सटाइल साइंस पढ़ लें। ह्यूमैनिटी के अंदर अप्लाइड लिंग्विस्टिक, तो इनके पास इंग्लिश में, इंग्लिश के हवाले से है, अगर आप इंग्लिश में अगर आप मास्टर करना चाह रहे तो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अगर आप मैथमेटिक्स में एमफिल करना चाह रहे हैं, आपके पास 16 ईयर मैथमेटिक्स की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स में क्या फिजिक्स है आपके पास, ऑप्टिक्स है, मेडिकल फिजिक्स, तो फिजिक्स जो है आप नॉर्मल जो जनरलाइज फील्ड है फिजिक्स, तो उसके हवाले से आपने 16 ईयर आपने फिजिक्स या उससे रिलेवेंट किसी भी डिसिप्लिन में आपने पढ़ा हो। ऑप्टिकल, ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिकल फिजिक्स जो होती है जिसमें लेंसेज से हम पढ़ते हैं। मेडिकल फिजिक्स यानी मेडिकल के जितने भी प्रोसेस और इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो भी फिजिक्स से इन्वॉल्व होती है उसके हवाले से आप पढ़ेंगे। अच्छा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, तो इसमें वही है कि आपके पास डेटा इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। ठीक है, तो आपने बैचलर BSCS किया हो या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री की है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैथमेटिक्स किया है, यहाँ पे तमाम लिस्ट भी लगी हुई है, तो आप इनमें से किसी में भी आपने बैचलर किया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग, अच्छा टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर वही आपको MS करवाया जा रहा है, तो आपने अगर जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कंप्यूटर साइंस या अप्लाइड फिजिक्स जो भी आपके पास PC एक्रेडिटेड डिग्री नहीं है तो आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MS टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ से कर सकते हैं। और मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, ये वही ये आर्किटेक्चर से रिलेवेंट है। तो इसके लिए इन्होंने ये चीज़ें बताई है, इनकी एलिजिबिलिटी आपने की है, अपने बैचलर डिग्री की है आर्किटेक्चर में, रीजनल प्लानिंग में, सिविल में, अर्बन में और जियोग्राफी के अंदर, इन मुख्तलिफ डिसिप्लिन में आपने बैचलर किया तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, MArch, ये BArch होता है, MArch है सही, तो बैचलर डिग्री इन MArch BArch, बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट डिग्री आपने है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, प्रोग्राम और ऑफर इन द मॉर्निंग सेशन और ऑल्सो, मतलब आपको जो है प्रोग्राम मॉर्निंग में भी मिलते हैं लेकिन उसके लिए आपने स्पेशल रिक्वेस्ट करनी होती है, ज़्यादातर वीकेंड में और इवनिंग के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वीकेंड के अंदर आप 3 सेमेस्टर लगा सकते हैं, इवनिंग के अंदर 5 सेमेस्टर आपको चाहिए होते हैं। सही, एडमिशन टेस्ट ऑफ ऑल वर्क प्रोग्राम विल बी हैड इन 16 और 18 16 से 18 तक आपके टेस्ट होंगे, एडमिशन टेस्ट। ओके, टेस्ट के हवाले से बताता चलूँ तो उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स होती है और आपकी फील्ड से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के भी जनरलाइज होते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। मैथमेटिक्स के भी बेसिक मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट लेवल की होती है और बाकी आपकी फील्ड होती है। सही, अब हम फॉर्म किस तरह फिल करना है उसके बाद प्रोसीड करते हैं। यहाँ अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कीजिए। अब आपने क्या करना है, एडमिशन फॉर्म पे आइए। सही है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए मैं प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग किया। प्रोग्राम कौन सा है, मास्टर मुझे चाहिए, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट करेंगे या आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या स्पेशलाइजेशन समझ लो, स्मार्ट ग्रिड प्रोग्राम। अच्छा, इसमें सिर्फ इवनिंग हमें अवेलेबल है, वीकेंड अवेलेबल नहीं है। इसमें मैं एक तस्वीर मुझे चाहिए, स्टूडेंट की तस्वीर, और तस्वीर के लिए मैं कोई भी तस्वीर में रख लेता हूँ। सही, ये मैंने ऐसे ही मैं डमी के तौर पर बता रहा हूँ। मेल अली, फादर नेम क्या है, जफर। पर मैंने एड्रेस में लिखा ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नेशनलिटी पाकिस्तान। CNA में डमी CNA ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डमी के तौर पर लिया है। अच्छा, रिलीजन में इस्लाम, इस्लाम रिलीजन। पासपोर्ट, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है अगर आप पाकिस्तानी है तो। ईमेल में लिखा अपना, कोई भी मैं डमी ईमेल आप ले लीजिए। अच्छा, कोई भी आप ले सकते हैं। सिंगल सेलफोन में डमी नंबर ले रहा हूँ। पीसी नंबर आपने अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर, सॉरी आपने एमई या MEM के लिए अप्लाई करना है तो आपने पीसी नंबर देना है। डेट ऑफ बर्थ में कोई डमी नंबर ले लेता हूँ। NED ग्रेजुएट है या नहीं, मैं NED मतलब आपने बैचलर NED में किया है या नहीं, ये लास्ट डिग्री आपने NED में की है या नहीं। तो मैं लास्ट डिग्री जो बैचलर NED में नहीं किया है, डोमिसाइल प्रोविंस लिख दीजिए। सिंध में, सिंध का हूँ तो सिंध में तो लिखूँगा। मैं सिंध के अंदर में कहाँ का हूँ, मैं सिंध में कहाँ का हूँ, मैं कराची का ऑप्शन है, अच्छे बोलान कराची साउथ में लिख दिया। सही, मैं डिग्री टाइप, मेट्रिकुलेशन में SSC, एनुअल इसमें मैंने किया डेट है। ये आप सही से लिख देना। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब आप ये फिल कर रहे हैं अपना डेटा तो अपनी मार्कशीट या अपने सर्टिफिकेट वो अपने सामने रख के करना, ठीक है, या ताकि अपना जो भी आपको डेटा है वहाँ पे एंटर करने में मसला ना हो। सही, मैं फिलहाल ये डमी चीज़ है इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ।16 years of education, BE, exam test, semester, session type, day, तो समझ गए कि किस तरीके से आपने डेटा एंटर करना है। डेटा जब भी एंटर करें तो प्लीज़ मेक श्योर अपनी जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट अपने सामने रखना, ताकि आपको इसके अपने ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, तमाम चीज़ें आपको पता चल सके। ठीक है, तो वो आप इसमें रखेंगे, कंट्री नेम, पासिंग ईयर, सब आपने एक्यूरेट इसमें एंटर करना है। ठीक है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप तभी लिखिए अगर आपका ऑफिस आपको एनओसी दे रहा है। अगर आपका ऑफिस आपको एनओसी नहीं दे रहा तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही, अगेन मैं बता रहा हूँ कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तब लिखेंगे जब आप जिस भी कंपनी में एम्प्लॉयड हैं अगर वो आपको एनओसी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर नहीं और एनओसी प्रोवाइड करें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट करो फॉर्म। तो क्या प्लीज़, अच्छा सेल नंबर के अंदर कुछ थोड़ा गड़बड़ है। Please select one of these. Please provide correct email address for login form. Correct email address as per मैट्रिक सर्टिफिकेट। इसमें थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं फॉर्म फिल करते हुए, दीज प्रॉब्लम्स। लॉगिन ईमेल सही करेक्ट है एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट। अच्छा, ये थोड़ा फॉर्म का मसला आ रहा है जो उनकी तरफ से आ रहा है, थोड़ा क्या आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे, जब आप अपना डेटा एंटर करेंगे तो सही आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर आप सबमिट करेंगे तो होगा यूँ कि आपके पास आपका पूरा फॉर्म बन के आ जाएगा। आपने उस फॉर्म की प्रिंट आउट लेनी है। उस पर नीचे दो ऑप्शन होंगे, आपने दो 17 डेट या अबव के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से स्टैंप लगवानी है और साइन करनी है। और जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या है, आपका डोमिसाइल, बैचलर की मार्कशीट, बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, इंटर की डिग्री, इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक की मार्कशीट, डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट, मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट। इनके आप दो सेट बना के उन पे दोनों के ऊपर आप किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से आप स्टैंप लगवाएंगे। सही, आपके दो एनआईसी होंगे। ओके, मतलब कुछ आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ये टेंशन में होंगे कि आप किसी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टेंशन थी कि जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो मैं किसी भी 17 ग्रेड के ऑफिसर को जानता नहीं था। तो मैंने क्या किया, एनडी के अंदर आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर जाइए। किसी भी प्रोफेसर या लेक्चरर जो कि 18 ग्रेड, क्योंकि वहाँ पे होते ही लेक्चरर होते हैं, लेक्चरर से कम कोई होता नहीं है जो फैकल्टीज़ में से, तो उनसे आप किसी भी लेक्चरर से करवा सकते हैं। ज़्यादातर कर देते हैं, थोड़े बहुत होते हैं जो थोड़ा मसले मसाइल करते हैं, लेकिन उनको भी आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखा दोगे, ओरिजिनल दिखा दोगे तो वो आसानी कर देंगे। तो इसके उतनी बड़ी मसले की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप एनईडी के अंदर ही वहाँ के जो अफसरान हैं उनसे आप ये अटेस्टेशन करवा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। यह है कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत से लोग पैसे भी इसमें वसूल करते हैं, लेकिन कुछ लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। तो आपने ये तरीक़ेकार है, इसमें आप फॉर्म फिल आराम से कर सकते हैं। तो आपने फॉर्म फिल किया, आपने उनको डेडलाइन से पहले जमा करवा दीजिए। आपको उसी दिन वो एक एडमिट कार्ड देंगे और एक डेट दे देंगे कि आपका किस टेस्ट डेट पे होगा। आपने उस टेस्ट डेट के ऊपर आना है, अपना टेस्ट देंगे। टेस्ट के अंदर थोड़ा सेक्शन मैथमेटिक्स, थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा आपका फील्ड रिलेवेंट होता है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को जो जो अप्लाई कर रहे हैं। कोई अगर मसला आ रहा है काइंडली उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं वीडियो भी अपलोड करने लगा हूँ, आपको कुछ भी चाहिए आपको मैं इसका लिंक भी दे रहा हूँ आपको। सही है, और उसके अलावा मैं आपको नंबर भी दे दूंगा इनके रजिस्ट्रार का। अगर कोई भी मसला है तो आप उनसे भी फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगेन कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान और हामी और नासिर रहे।